नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। लॉकडाउन के बाद से आर्थिक संकट झेल रहे रीवा जिले के समस्त प्राइवेट बस कंडक्टर और ड्राइवर तीसरी बार कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे। बसों के चालक परिचालकों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं और परिवार के पालन पोषण के लिए कोई साधन सुविधा शासन द्वारा किसी प्रकार की नहीं दी गई है। इसके साथ ही बस मालिकों द्वारा भी किसी प्रकार का सहयोग उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे समस्त ड्राइवर कंडक्टर परिवार सहित भूखे मरने की कगार में है। जबकि शासन द्वारा तरह तरह की योजनाएं देने की घोषणा हम सुनते आ रहे हैं, किंतु जमीन पर सबको ड्राइवर के काम बंद होने के बाद भी कोई कार्य उपलब्ध नहीं हुए हैं, जिससे हम अपने परिवार और अपने पेट का पालन कर सके। अब हम कंडक्टर ड्राइवर द्वारा ठान लिया गया है कि यदि शासन द्वारा किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो रीवा जिला और समस्त मध्य प्रदेश के ड्राइवर उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर कार्यालय में, क्या मांगे हैं? दोबारा मांगे हैं कि ड्राइवर हमारे, समस्त ड्राइवर जिले के नहीं पूरे प्रदेश के ड्राइवर आज बेरोजगार हो चुके हैं। जिस समय से लॉकडाउन हुआ इनकी पूरी तरह से रोजी रोटी बंद है, 4 महीने हो गया, आज पूरा परिवार इनको भूखे मरने के कगार में है। शासन प्रशासन किसी प्रकार के इनकी सहायता आज तक एक न एक पैसा नहीं दी। ये अपनी अब आत्महत्या के कगार में है, इनको जिंदे जिएंगे कैसे? इसलिए मजबूरी है कि शासन प्रशासन से इनकी मांग है कि हम सबको या तो महंगाई मतलब ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए या कोई रोजगार दिया जाए शासन के द्वारा, जिससे हमारे परिवार और हमारा पेट पालन हो सके। यदि नहीं होता है तो अगला इनका स्टेप होगा कि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और समस्त पूरे जिले नहीं प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। आप अपना शुभ नाम बताइए। सिया शरण केवट। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।